और ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी जो यहाँ डंकी की कमाई देख सीधा निशाना साधते दिखे अजय देवगन, क्या बोले फिल्म की कमाई को लेकर, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। वहीं दोस्तों आपको बता दूं तो राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म डंकी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे आते ही मानो धमाल मचा दिया था। 21 दिसंबर 2023 को ये फिल्म जो दुनिया भर के थिएटर के अंदर रिलीज हुई थी, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में ताबड़तोड़ कमाई करके भी हमको दिखाया था। सलार जैसी बड़ी फिल्म के साथ भी इस फिल्म का क्लैश देखने को मिला था, इसके बावजूद भी इस फिल्म ने काफी अच्छा खासा कमाई किया था और सिनेमाघरों के अंदर टिक के खड़ी रही। और यहाँ तक कि शाहरुख खान की ये 2023 की ऐसी तीसरी फिल्म थी जिसने ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बता दे तो साल 2023 में किंग खान की पठान, जवान और डंकी समेत तीन फिल्में रिलीज हुई थी और इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में काफी शानदार कलेक्शन करके दिखाया था। डंकी ने ना सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस में बल्कि दमदार कलेक्शन करते हुए हमको वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी काफी छाई रही थी। इस फिल्म ने 400 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। वहीं आपको बता दो फिल्म के प्रोडक्शन हाउस रेड चिली एंटरटेनमेंट ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर बताया कि इस फिल्म ने 11 दिन के अंदर ही दुनिया भर में 380 करोड़ का जो कमाई है उसने कर लिया है। वहीं दोस्तों फिल्म की कमाई देख करके अजय देवगन का काफी जबरदस्त रिएक्शन हमको देखने को मिलता है, जहां पे अजय देवगन बोलते हुए नजर आए कि जब सोशल मुद्दे के ऊपर हम फिल्में बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती, लेकिन जब ये लोग फिल्में बनाते हैं तो काफी जबरदस्त कमाई करती है इनकी फिल्में। हमारी फिल्मों में भी काफी सारे सोशल मुद्दे उठाए जाते हैं लेकिन हमारी जो फिल्म है वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, इनके पीछे जो ऑडियंस है दोगलापंती करती है और फिल्में जो हमारी चलने नहीं देती। बाकी दोस्तों आपको बता दो शाहरुख खान की फिल्म डंकी चार दोस्तों की कहानी पर आधारित है। फिल्म के अंदर किंग खान जो कि लीड रोल में नजर आ रहा है उनके साथ तापसी पन्नू की केमिस्ट्री आपको देखने को मिलती है। फिल्म काफी अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, अगर आपने फिल्म को देख लिया है हमको कमेंट करके जरूर बताएं।